चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मोदी के क्यू पहुंचने से पहले बदली जंग की तस्वीर, रूस यूक्रेन युद्ध और गहराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 21 और 22 अगस्त को पोलैंड से हुए 23 अगस्त को यूक्रेन के दौरे के बीच माहौल गर्मा गया है। यूक्रेन और रूस के बीच छिड़े युद्ध के बाद ही नहीं, 30 सालों बाद भी यह भारत के किसी पीएम की ओर से पहली यात्रा है। 30 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री यूक्रेन का दौरा करने जा रहे हैं। इसी बीच रूस ने कहा कि वह ईस्ट यूक्रेन में आगे बढ़ रहा है और यूक्रेन के उसके घर में भीतर तक घुस जाने के बाद अलग स्ट्रेटेजी के साथ काम कर रहा है, जबकि यूक्रेनी सेना भी तेजी से रूसी सेना को खदेड़ने में जुटी हुई है। जो हाल बांग्लादेश का हुआ है वही हाल हम भारत का करेंगे, राकेश टिकैत ने कहा, मोदी सरकार को हम बांग्लादेश की तरह निपटा देंगे। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का एक विवादित बयान सामने आया है। राकेश टिकैत ने बयान में कहा कि भारत में भी बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे हालात बन रहे हैं, जिससे यहां भी वैसा ही आंदोलन हो सकता है। टिकैत ने मीडिया की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा, कोलकाता में डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटना को लेकर मीडिया ने जो सक्रियता दिखाई वैसी मणिपुर की घटनाओं पर नहीं। इसके अलावा टिकैत ने बिजली के मुद्दे पर भी सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने किसानों को निःशुल्क बिजली देने की घोषणा की है, लेकिन इसके साथ ट्यूबवेल पर मीटर लगाने की शर्त रखी गई है। टिकैत ने साफ कहा कि किसान ट्यूबवेल पर मीटर नहीं लगने देंगे और अगर मीटर लगाया गया तो उसे उखाड़ कर बिजली कार्यालय में जमा कर दिया जाएगा। सुरेश रैना को यूपी T20 लीग सीजन 2 बनाया गया, ब्रांड एम्बेसडर, 25 अगस्त से होगी टूर्नामेंट की शुरुआत। बता दें भारतीय टीम पूर्व ऑलराउंडर सुरेश रैना को आगामी यूपी T20 लीग सीजन 2 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश T20 लीग का दूसरा सीजन 25 अगस्त से शुरू होगा और 14 सितंबर तक चलेगा। इसमें भाग लेने वाली सभी 6 टीमों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। सभी मैच लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेले जाएंगे। गरीबों की जमीन हड़पी तो चुकानी पड़ेगी बड़ी कीमत, एक्शन में योगी सरकार। हाल ही में वाराणसी पहुंचे सीएम योगी अचानक से रात में शहर में हो रहे विकास कार्यों का निरीक्षण करने के लिए निकल गए। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। वहीं मंगलवार को सीएम योगी ने महंत दिग्विजय नाथ स्मृति भवन सभागार में जनता दर्शन में शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने करीब 300 लोगों से मुलाकात की, उनकी समस्याओं को सुना। इतना ही नहीं, सीएम खुद ही सभागार में बैठे लोगों के पास गए, उनसे उनका प्रार्थना पत्र लेते हुए समस्याओं को सुना, शीघ्र ही इसके निपटारे का आश्वासन दिया। लोगों से प्रार्थना पत्र लेने के बाद सीएम ने वहां मौजूद अधिकारियों को सख्त आदेश दिए। उन्होंने कहा, अगर किसी भी व्यक्ति का घर उजाड़ा जाता है या किसी के घर की जमीन पर अवैध कब्जा किया जा रहा है तो ऐसे लोगों पर तुरंत कार्रवाई की जाए। किसानों के लिए दोहरी खुशखबरी, 18वीं किस्त के साथ मिलेगा एक और तोहफा। बता दें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर किसान काफी उत्साहित हैं। इस योजना के तहत देश भर के करोड़ों किसान लाभ उठा रहे हैं। 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में अब तक किसान सम्मान निधि की राशि आ चुकी है। वर्ष भर में सरकार किसानों के खाते में 6000 रुपए जमा करती है। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई, 18वीं किस्त से पहले किसानों को सरकार एक बड़ा तोहफा देने की तैयारी कर रही है। इसके तहत अब केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ी घोषणा की है। किसानों को किसान सम्मान निधि के जरिए यहां आर्थिक रूप से मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं अब एक तैयारी केंद्र सरकार ने भी कर ली है। ये तैयारी है किसानों को उन्नत फसल तैयार करने के लिए जानकार बनाना। इसके तहत अब सरकार की ओर से किसान से बात नाम का रेडियो प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। इस प्रोग्राम में किसानों को कृषि की वैज्ञानिक जानकारी देने की कोशिश की जाएगी। मदरसा में जो शिक्षा दी जा रही है उसकी जांच हो, मंत्री नीरज बबलू बोले, मदरसा में अगर पाकिस्तान का सिलेबस पढ़ाया जा रहा है तो यह सही नहीं। बिहार सरकार के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के मंत्री नीरज कुमार बबलू ने मदरसों में दी जाने वाली शिक्षा पर उठ रहे सवाल पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मदरसा में जो गतिविधियां होती हैं वह सही नहीं है। नीरज कुमार बबलू ने कहा कि मदरसा में जो शिक्षा दी जा रही है उसकी जांच होनी चाहिए। मदरसा में सिर्फ एक धर्म के बच्चे क्यों पढ़ेंगे, सभी धर्म के बच्चे क्यों नहीं पढ़ सकते। शिक्षा में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, सभी धर्म और सभी जाति के बच्चों को कहीं भी शिक्षा देने का काम होना चाहिए। मदरसा में अगर पाकिस्तान का सिलेबस पढ़ाया जा रहा है तो यह चिंता का विषय है।
नहीं जाएगी किसी की नौकरी। 69,000 शिक्षकों की भर्ती को लेकर सीएम ने संभाला मोर्चा। बता दें उत्तर प्रदेश की परिषदीय विद्यालयों में की गई 69,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया अब योगी सरकार के लिए गले की फांस बनती जा रही है। इसकी काट निकालने के लिए सूबे के मुख्यमंत्री ने खुद ही अब कमान संभालने का निर्णय लिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इतनी बड़ी संख्या में भर्ती हुए अध्यापकों और उनके परिवारों को राहत देने के लिए शिक्षक संघों और अधिकारियों के साथ मैराथन बैठक कर इन विषयों पर जानकारी जुटा रहे हैं। दरअसल हाई कोर्ट ने 69,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को लेकर अपने आदेश में पुनः लिस्ट जारी करने के लिए सरकार को आदेशित किया है। हालांकि इस आदेश के बाद भी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती नहीं करने का फैसला किया है। सिंधिया की खाली सीट पर बीजेपी ने जॉर्ज कुरियन को बनाया राज्यसभा उम्मीदवार। सपा बोली लगा था केपी यादव को मौका मिलेगा। बता दें कि मध्य प्रदेश की राज्यसभा सीट के लिए केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन को भाजपा ने अपना उम्मीदवार बनाया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद राज्यसभा की सीट खाली हुई थी। कुरियन का निर्विरोध चुना जाना तय माना जा रहा है। नामांकन जमा करने की अंतिम तारीख 21 अगस्त है। जॉर्ज कुरियन मोदी कैबिनेट में पशुपालन, मत्स्य पालन और डेयरी विभाग के राज्य मंत्री हैं। 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड की हुई घोषणा। गुलमोहर को मिला बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड तो ऋषभ शेट्टी बने बेस्ट एक्टर। बता दें शुक्रवार को 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड की घोषणा हो गई है। इस साल जहां मनोज वाजपेयी की फिल्म गुलमोहर को बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड मिला, वहीं ऋषभ शेट्टी बेस्ट एक्टर चुने गए हैं। वहीं बता दें कि एक्ट्रेस नित्या मेनन को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है तो कांतारा ने बेस्ट फिल्म का अवार्ड अपने नाम किया है। केंद्र के अस्पतालों में प्रवेश निकास पर निगरानी बढ़ेगी, महिला डॉक्टरों को मिलेगी सुरक्षा। जी हां, बता दें स्वास्थ्य मंत्रालय ने केंद्र के सभी सरकारी अस्पतालों में लागू किए जाने वाले सुरक्षा उपायों की सोमवार को एक सूची जारी की, जिसमें प्रवेश और निकास पर कड़ी निगरानी रखना तथा रात में महिला स्वास्थ्य कर्मियों को लाने ले जाने में सुरक्षा प्रदान करना शामिल है। यह कदम रेजिडेंट डॉक्टर द्वारा देश भर में किए जा रहे विरोध प्रदर्शन के बीच उठाया गया है। चिकित्सक कोलकाता में एक सरकारी अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ कथित दुष्कर्म करने और फिर उसकी हत्या की घटना के बाद स्वास्थ्य कर्मचारियों के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए एक विशेष कानून की मांग कर रहे हैं। केंद्र सरकार के सभी अस्पतालों के प्रमुखों को भेजे गए एक पत्र में मंत्रालय ने उनसे महिला स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बुनियादी सुविधाओं और पर्याप्त सुरक्षा के साथ ड्यूटी सुनिश्चित करने और रात में महिला स्वास्थ्य कर्मचारियों की तैनाती एक से अधिक संख्या में करने के लिए कहा। इनमें कहा गया कि ड्यूटी के दौरान उन्हें परिसर में कहीं भी आने जाने के दौरान सुरक्षा दी जानी चाहिए और रात में कहीं भी जाने के लिए सुरक्षित परिवहन की व्यवस्था की जानी चाहिए। सुनीता केजरीवाल ने शरद पवार से की मुलाकात, राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज। बता दें आबकारी नीति मामले में जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार से पुणे में उनके कार्यालय में मुलाकात की। आम आदमी पार्टी के एक नेता ने सोमवार को ये जानकारी दी है। आप नेता ने कहा, हमें रविवार रात बैठक में हुई बातचीत के बारे में जानकारी नहीं है। मेरी जानकारी के अनुसार यह शिष्टाचार भेंट थी। उन्होंने बताया कि सुनीता केजरीवाल के साथ आप सांसद संजय सिंह थे। जब मीडिया कर्मियों ने बैठक के बारे में जानना चाहा तो सुनीता केजरीवाल ने टिप्पणी करने से मना कर दिया। नेपाल के विदेश मंत्री ने पीएम मोदी को राजकीय यात्रा का दिया निमंत्रण, 1000 मेगावाट बिजली देने का किया वादा। बता दें नेपाल के विदेश मंत्री आरजू राणा देउबा ने अपने भारत दौरे के दौरान सोमवार को भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान देउबा ने प्रधानमंत्री मोदी को नेपाल की राजकीय यात्रा के लिए निमंत्रण दिया, जिससे भारत नेपाल संबंधों को और मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ अपनी बैठक के बाद देउबा ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने बताया कि नेपाल भारत को लगभग 1000 मेगावाट बिजली निर्यात करेगा। पहले चरण में नेपाल बिहार और हरियाणा के लिए 251 मेगावाट बिजली निर्यात करेगा। जयशंकर ने इस कदम को एक नया मील का पत्थर बताया और दोनों देशों के बीच ऊर्जा, व्यापार, संपर्क और बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। विरोध के कारण लेटरल एंट्री पर पीछे हटी सरकार, खड़गे बोले आरक्षण खत्म करने की फिराक में है भाजपा। बता दें कि कांग्रेस और कई अन्य विपक्षी दलों ने मंगलवार को दावा किया कि विपक्ष के विरोध के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार लेटरल एंट्री के मामले पर पीछे हटी और उसने संबंधित विज्ञापन वापस लेने का फैसला किया। उन्होंने यह भी दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण खत्म करने की फिराक में है। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी
गई कि अध्यक्ष प्रीति सूदन को पत्र लिखकर विज्ञापन रद्द करने को कहा ताकि कमजोर वर्गों को सरकारी सेवाओं में उनका उचित प्रतिनिधित्व मिल सके। वहीं बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया, संविधान जयते, हमारे दलित आदिवासी पिछड़े और कमजोर वर्गों के सामाजिक न्याय के लिए कांग्रेस पार्टी की लड़ाई ने आरक्षण छीनने के भाजपा के मंसूबों पर पानी फेरा है। लेटरल एंट्री पर मोदी सरकार की चिट्ठी ये दर्शाती है कि तानाशाही सत्ता के अहंकार को संविधान की ताकत ही हरा सकती है। उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के घटक दलों की मुहिम से सरकार एक कदम पीछे हटी है, पर जब तक भाजपा आरएसएस सत्ता में है वो आरक्षण छीनने के नए नए हथगंडे अपनाती रहेगी। तो दोस्तों ये थी आज की 10 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।